आपके चेहरे की उदासी को परमेश्वर दूर करेगा, आपके मन की उदासी को परमेश्वर दूर करेगा। आज इनके जीवन की वो दुख, उदासी, निराशा चली जाए। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, जब कभी लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में समस्याएं आती हैं, तो वे लोग सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे हमारे जीवन में क्या होगा, क्या क्या जीवन भर हमें इसी समस्या के साथ में रहना पड़ेगा, क्या जीवन भर इसी बीमारी के साथ में रहना पड़ेगा, क्या जीवन भर हमें इन दुखों के साथ में रहना पड़ेगा। और इन बातों को सोच सोच कर वो अपनी आशा को खो देते हैं, अपने विश्वास में कमजोर होने लगते हैं और निराशा में घिर जाते हैं, और उनके चेहरे की हंसी मानो चली जाती है और उदासी उनके मन में, उनके चेहरे पर छा जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि उस समस्या के बाद आपके जीवन में क्या होगा, उस दुख के बाद आपके जीवन में क्या होगा, उस बीमारी के बाद आपके जीवन में क्या होगा। मैं आपसे कहूंगा कि उस दुख के बाद, उस समस्या के बाद, उस बीमारी के बाद आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। एक वचन हम लोग देखेंगे, अय्यूब की किताब उसका 8:21, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह तो तुझे हसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तो तुझे हसमुख कर देगा, तेरे चेहरे की उदासी को वो दूर कर देगा, तेरे चेहरे की निराशा को वो दूर कर देगा, और तेरे इस उदास मुख को वो खुशियों से भर देगा, तुझे हंसमुख कर देगा, तेरे चेहरे की जो हंसी चली गई है उस हंसी को प्रभु वापस आपको दे देगा। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे भी कहता है कि परमेश्वर आपको हंसमुख करेगा, आपके चेहरे की उदासी को परमेश्वर दूर करेगा, आपके मन की उदासी को परमेश्वर दूर करेगा, उस समस्या के बाद आपके जीवन को परमेश्वर खुशियों से और आनंद से भर देगा। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के जीवन में अचानक से समस्याएं आ गई और वो समस्याओं से घिर गया, परंतु उन समस्याओं के बाद क्या हुआ, उन समस्याओं के बाद उसका जीवन दोगुना आशीषित हुआ। वो 140 सालों तक जीवित रहा और हर प्रकार की उत्तम आशीषें उसके पास रही। इसी प्रकार से आपके जीवन के लिए मैं कहना चाहूंगा, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके साथ में भी इसी प्रकार होगा। उस समस्या के बाद जिससे आप जूझ रहे हैं, उस बीमारी के बाद जिससे आप जूझ रहे हैं, उस दुख के बाद जो आपके जीवन में है, परमेश्वर आपको दोगुना आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको लंबी उम्र से आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको हंसमुख कर देगा, आपके जीवन को आनंद और खुशियों से भर देगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी उदासी को दूर करता है, हमारे मन की निराशा को, उदासी को दूर करता है, उन समस्याओं को दूर करता है, उन बीमारियों को दूर करता है और हमारे जीवनों को आनंद और खुशियों से भर देता। तो इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मदन मोहन है, मैं पंजाब से रहने वाला हूँ। मेरे पास मेरी गवाही ये है कि मेरे पास 2 बेटियाँ थी और मुझे बेटे की आशीष चाहिए थी, जो कि मैंने प्रेयर सेंटर में अपनी रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं आज बेटे के साथ प्रभु ने मुझे ब्लेस किया और मेरे घर में प्रभु का बेटा जो होना उसका नाम रखा है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दासों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अमिता सिस्टर, पीके ब्रदर, उनकी पूरी मिनिस्ट्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मुझे बेटे के साथ नवाजा। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा, पिता के दाहिने आप उस सिंहासन पर विराजमान हैं हम सब की विनती और प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। रात भर में संभाला, सुरक्षित रखा, हिफाजत से प्रभु तूने हम सबको रखा। मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और ये नया दिन परमेश्वर, ये चमकता हुआ सवेरा परमेश्वर, तूने अपनी दया और करुणा के द्वारा हम सबको, अपने विश्वासी लोगों को, अपनी पवित्र प्रजा को दिखाया है प्रभु। ये तेरी
बड़ी करुणा है और ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, इसीलिए आज की सुबह में हम हृदय की गहराइयों से प्यारे अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, तेरी उस दया के लिए, तेरे उस प्रेम के लिए, तेरे उन आश्चर्य कर्मों के लिए, तेरे उन भलाइयों के लिए जो तू हमारे जीवनों में दिन प्रतिदिन करता है। हर पल हर क्षण में परमेश्वर जो भलाइयां तू करता है, हमारे संग संग जो तू रहता है, हमारी देखभाल जो तू करता है, हाँ प्रभु इस सारे उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू जानता है अपने लोगों की ज़रूरतें और पल में परमेश्वर तू अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए प्रभु हम तहे दिल से प्यारे अब्बा धन्यवाद करते, क्योंकि प्रभु तू धन्यवाद आदर के योग्य है और प्रभु हम आदर करते हैं, हम आदर करते सुबह में परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करते परमेश्वर, उस सर्वोत्तम सबसे ऊंचे नाम को हम महिमा देते परमेश्वर। मेरे खुदावन इस सुबह में परमेश्वर मेरे पिता अपने अपने लोगों को एकत्रित किया है कि वो भूख प्यास के साथ में परमेश्वर इस संगति के सहभागी हों पिता, प्रभु तेरे साथ में संगति करने के सहभागी हों। प्रभु तूने उनके अंदर उस प्यास को दिया है, उस भूख को दिया है कि जो आत्मा की भूख और प्यास है प्रभु, जो संगति के द्वारा तृप्त होती है, जो तेरे वचनों के द्वारा तृप्त होती है, जो प्रभु प्रार्थना संगति में बढ़ने के द्वारा तृप्त होती है, आज प्रभु हर एक जन प्रभु तृप्त होने जा रहा है पिता तेरे वचनों से और प्रार्थना के माध्यम से। प्रभु पवित्र आत्मा आप एक एक को जुम्बिस करें परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को हर एक जन अपने जीवन में आज के दिन में महसूस करे, इनके साथ में हर क्षण में परमेश्वर हम चाहते हैं तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे, हर पल में परमेश्वर आप इनके संग में रहें, स्वर्गदूत प्रभु इनकी हिफाजत करे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड, We magnify your name, Lord Jesus, yes. because you are love, Lord Father. Yes. आप प्रेम है परमेश्वर, आप प्रभु यीशु दया करने वाले प्रभु हैं और आपने हम सब पर दया की है, हम सबको जीवन दिया है, हम सबका उद्धार किया है प्रभु, ताकि तू हमारे चेहरों को हंसमुख कर सके, ताकि तू हमारे जीवनों से जय जयकार करा सके, yes. ताकि तू हमें विजय उत्सव में लिए फिर सके परमेश्वर। हाँ मेरे अब्बा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, हाँ परमेश्वर उन बड़े बड़े कामों के लिए जो तू अपने बेटियों के जीवन में करता है, yes. उसके लिए हम सब धन्यवादी हैं परमेश्वर। मेरे खुदा इस सुबह की संगति के लिए प्रभु, ये पल तेरे अनुग्रह से हम देखने पाए हैं, आज हम जीवित हैं, ये तेरी दया है परमेश्वर। और जो वचन आज की सुबह में आपने हमें उत्साहित किया है, आज भी प्रभु तू वही आश्चर्य कर्म करने वाला, आज भी तू उन्हीं बातों को करने वाला, तू युग युग एक समान रहने वाला परमेश्वर है, जो तूने उस समय किया तू आज भी करने वाला परमेश्वर है, और आज तू अपने बेटे बेटियों के लिए कर प्रभु। आज जो जिनके चेहरे पर उदासी है प्रभु, आज जिनके जीवनों में निराशा है प्रभु, आज जब इनके जीवन में कोई भी खुशी का कारण नहीं, आज जब इनके जीवन में कोई भी आशीष नहीं, जब कोई भी आनंद नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ अब्बा कि आज इनके जीवन की वो दुख उदासी निराशा चली जाए यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। और खुदावन आज इनके चेहरों को तू हंसमुख कर प्रभु, आज इनके जीवनों में प्रभु तू अद्भुत कर प्रभु, ताकि ये हंसमुख होने पाए, ताकि प्रभु इनके जीवन में वो खुशी आने पाए, ताकि इनके जीवन में वो सल्यूशन आने पाए प्रभु जो तू देना चाहता। आज ये निराशा में तो है प्रभु, परंतु आज निराशा में जाएंगे नहीं, क्योंकि तेरा वचन आज इनके जीवन में कार्य करने जा रहा है, ये हंसमुख हंसते हुए प्रभु खुश और मग्न होते हुए आनंदित होने पाए प्रभु, और तेरी महिमा करने पाए, और जय जयकार के साथ में प्रभु उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग को, उस चंगाई को, उस बहाली को, उस सफलता को रिसीव करने पाए पिता। आज वो रिसीव करने वाला हृदय आप इन्हें दे, आज उस चंगाई को यीशु मसीह के नाम से ये रिसीव करे, आज उस सफलता को ये रिसीव करे, आज वो छुटकारे को ये रिसीव करे प्रभु जी, आज वो अंधकार की बातों से छुटकारे को ये रिसीव करे परमेश्वर। खुदावन आज इनके चेहरे चमके प्रभु, उस हसमुख जैसा हसमुख चेहरा होता है प्रभु, आज इनके जीवन में ऐसा ही कुछ होने पाए परमेश्वर पिता। लॉर्ड जब समस्याओं के तले दबे हैं परमेश्वर प्रभु, कर्जे तले दबे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तले दबे हैं, बच्चों को अच्छा फ्यूचर उनको लग रहा है कि नहीं दे पाएंगे, परंतु पिता आप उनके लिए करेंगे प्रभु, आप उनके लिए उपाय करेंगे परमेश्वर, आप उपाय करने वाले परमेश्वर, आप हर एक की चिंता करते हैं प्रभु, आप इनके लिए हर पल हर स्टेप में आप उपाय करें परमेश्वर। प्रभु यदि इनके केस काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है प्रभु, हम चाहते हैं कि उनका रिजल्ट आए प्रभु यीशु मसीह, आपके लोगों के फेवर में उसका रिजल्ट आए परमेश्वर, क्योंकि तू न्याय परमेश्वर है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ जो जॉब के लिए काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे
रहे हैं प्रभु उन्हें जॉब दीजिए प्रभु, जो अपना ज्वाइनिंग के लिए काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं प्रभु उनका ज्वाइनिंग होने में मदद कीजिए। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं प्रभु उन्हें इस साल में परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु बहुत से लोग हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। इस सुबह में परमेश्वर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरत प्रभु आज के दिन में तेरे लोगों की पूरी हो, इनके बच्चों की, इनके परिवार की, इनके खुद की हर एक जरूरत प्रभु तेरे महिमा में धन से, हाँ प्रभु तेरी ओर से, हाँ मेरे पिता सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर से इनके लिए पूरा हो मेरे खुदावन। धन्यवाद, ये उत्तम से उत्तम खाएं, उत्तम से उत्तम पहने, उत्तम से उत्तम इनके लिए मार्ग खुले और इनके लिए इनका भविष्य, इनका वर्तमान प्रभु सब तेरे हाथों में है। तू इनको गाइड कर, तू इनके साथ में होने पाए पिता और इनके जीवन में ये जय जयकार करने पाए पिता, ये हसमुख होने पाए पिता। धन्यवाद आज इनकी निराशा उदासी यीशु धन्यवाद कि आपने दूर कर दी है। धन्यवाद प्रभु जितने लोग बीमार अस्वस्थ थे आज तेरे वचन के अनुसार आज वो चंगे हो गए और वो हसमुख हो गए हैं, वो आनंदित हो गए हैं, वो जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि तूने उन्हें छुटकारा चंगाई दे दिया है परमेश्वर। छोटे नन्हे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग जो हमारे बीच में हैं प्रभु तूने उन सबको छूकर चंगा किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के काम, आज की योजनाएं जो भी हैं वो सफल हो यीशु मसीह के नाम से। खुदा छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर एक योजना, हर एक ज़रूरत यीशु तेरे नाम से पूरी होने पाए प्रभु। आप इन्हें अगुवाई करें प्रभु, आप इन्हें अपने परों तले हिफाजत से रखें और प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में हर्ष आनंद के साथ में बोया है पिता 100 गुना आप उन्हें मल्टीप्लाई करके उन्हें रिटर्न करें, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनका प्रभु हर एक खत्ता यीशु मसीह तेरे नाम से भरा रहे और आशीषित रहे मेरे। धन्यवाद प्रभु सब कुछ संपन्न और सिद्ध इनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते हैं तुझ में आत्मिकता में, वचनों में, प्रार्थना में बढ़ने पाए प्रभु। धन्यवाद आप यूं ही प्रभु हमें संगति में बनाए रखे प्रभु, हम सबको पिता यूं ही एक परिवार के रूप में जो प्रेम तूने दिया है प्रभु दुनिया की छोर से प्रभु तूने प्रभु इन भाई बहनों को जो प्रेम के साथ में प्रभु इस प्रार्थना में सभा में शामिल होते हैं प्रभु धन्यवाद कि इनको आपने दिया है परमेश्वर और आप ही इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को आशीष दें प्रभु। तेरे लोग तुझ में बढ़ रहे हैं उसका प्रतिफल आप इन्हें दे परमेश्वर। धन्यवाद कि तू आने वाला है और हम सब तेरी तैयारी में लगे रहें पिता। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा पिता आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं और प्रभु महिमा करते हुए प्रभु इस प्रार्थना को तेरे पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।